फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रजनी 007 मैथ्स ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड, आज का पजल ट्रिक्स नंबर 385 चलिए देखते क्या है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का पजल है विच ग्लास हैज मोर वाटर। ऑप्शन है फ्रेंड ए बी सी डी, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो हमें बताना है फ्रेंड। तो वीडियो को पॉज करके एक ट्राई जरूर कीजिए, कॉमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। हो फ्रेंड, अब तक आपने ट्राई कर लिया, अपने कमेंट और फीडबैक शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, का सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा और क्यों। तो फ्रेंड, अगर आप पानी के लेवल पर ध्यान देंगे, ए बी सी डी चारों ग्लास के लेवल को ध्यान देंगे, वो इक्वल है। इट मीन्स उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका लेस एरिया होगा उसमें पानी ज्यादा होगा। यस फ्रेंड, आप ध्यान देंगे पिक्चर को तो देखेंगे कि एज यू कैन सी एरिया फॉर द पिन विल बी लेसर एज कंपेयर टू सीजर्स रबर एंड वॉच। यस फ्रेंड, एरिया पिन का सबसे कम होगा, इसीलिए ग्लास बी वाटर ज्यादा होगा। ग्लास बी विल हैव मोर वाटर, और इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, ग्लास बी। यस फ्रेंड, इस तरह से इस पजल को सॉल्व करेंगे। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो क्लास बी विल बी हैविंग मोर वाटर होगा फ्रेंड। और इसी तरह के मजेदार ट्रिकी फेमस पजल विद सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगी। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट पजल। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मेरी इस वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए क्या वो सॉल्व कर पाते हैं इस ट्रिकी पजल को। बाय बाय फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।